वाह ओए, तो हमारे साथ भयंकर बार बार छेने निकल जाती है, हाथ देखो कैसे हो गए हैं। ये आज की राइड की शुरुआत हो रही है लगभग दिन के 12 बजे से। तो की हाल चाल रही है सज्जनों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल गेमेक्स टू ब्लॉग्स में। तो मैं गेमेक्स टू आगे एक ब्लॉगिंग वीडियो लेकर, तो आज मेरे को जाना है डेंटिस्ट के पास सबसे पहले, ताकि अपनी तबीयत तो जो है सही होने का नाम ही ले रही है। तबीयत वैसे खराब नहीं है, बस अभी खांसी है ना, खांसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। खांसी हो रही है तो उसकी वजह से ब्रीथिंग में भी प्रॉब्लम हो रही है, तो ज़्यादा तेज भी राइड नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा राइड भी नहीं कर रहा हूँ ज़्यादा लंबी राइड। लेकिन भैया हम आप लोग के लिए फिर भी लाते रहेंगे ब्लॉग डेली का। कल एक दिन जो है छोड़ गया अपना, कल नहीं परसों, उसमें क्या हुआ कि अपना ब्लॉग बन नहीं पाया हेल्थ इशू की वजह से। लेकिन अब जो है कंटिन्यू ब्लॉग लाने की ट्राई करेंगे। तो आज आपको जो है मैं एक न्यू गली से ले जा रहा हूँ, इस गली से शायद आप पहले कभी नहीं आए होंगे, नहीं देखा होगा आपको। मतलब यहाँ से बहुत ज़्यादा जो गलियाँ हैं वो जाती हैं अंदर मेन रोड पर मुखानी वाली। गले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि ज़्यादा बोलने का मन भी नहीं कर रहा है। बाकी आपके भाई को जो है ब्लॉगिंग करते करते लगभग 6 मंथ होने वाले हैं, लेकिन अभी तक अपने सिर्फ 500 सब्सक्राइबर ही कंप्लीट हुए। यार बंदों के ऐसे ऐसे हैं जो फर्स्ट ब्लॉग डालते हैं भैया उसी में उनके वनके हो जाते हैं, वायरल हो जाता है। हमारा पता नहीं क्या सीन था। यहाँ से भी चलेंगे सीधे मुखानी चौराहे की तरफ को, वहाँ से लेफ्ट के लिए जाएंगे, फिर जाएंगे सीधे बरेली रोड पर। बरेली रोड पर अपना डेंटल क्लिनिक जहाँ हमको आज जाना है। बाकी भैया रिएक्शन एकदम अल्ट्रा प्रो मैक्स मिल रहे हैं और विंड नॉइज भी बहुत ज़्यादा आ रही, तो बोल नहीं पा रहा हूँ ज़्यादा। भाई लोग फिलहाल के लिए जो है मुखानी चौराहे में पहुँचने वाले हैं। यार सामने अपना चौराहा है, यहाँ से हमको जाना है लेफ्ट की तरफ को। बाकी विंड नॉइज की जो प्रॉब्लम है यार उसको इग्नोर करिएगा, जल्दी अपना एक एयरफोन ले लेंगे, उससे थोड़ा विंड नॉइज की प्रॉब्लम थोड़ा कम हो जाएगी। मैं तो अभी मुखानी चौराहे से लेफ्ट की तरफ को आ गए हैं, ये अपनी आगे काला ढूंगी रोड, तो इधर थोड़ा विंड नॉइज थोड़ा कम है। देख रहे सर कैसे चलाते हैं यार गाड़ी, उल्टी रॉन्ग साइड से आ रहा है, उसमें से भी इधर उधर कर रहा है, ना इंडिकेटर दे रहा है। अच्छा भाई ऐसे चलाते हैं यार यहाँ के लोग गाड़ियाँ, किसी किसी के साथ तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मेरे को। फिलहाल कर जो है मार्केट एरिया में पहुँचने वाले हैं यार, इधर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है आज। थोड़ा तेज तेज निकालते हैं ट्रैफिक से। आपका भाई जो घुमा घुमा के तो ले आया, अभी फिलहाल कालसाई मंदिर में पहुँचने वाले हैं। यहाँ से हमको जाना राइट साइड नीचे की तरफ को, इधर बरेली रोड पे है। जाने भी नहीं दे रहे लेडी को, पूरी औरत है बेचारी। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हार्ड है यार, इधर स्टार्ट ट्रैफिक में हमको निकाल के जाना पड़ेगा। ओके ओके घंटी का जो कमी करता हूँ मैं, ऐसा ट्रैफिक रहता है ना इधर, टू व्हीलर बहुत ज़्यादा है इधर फुलवानी में। अब हॉर्न में गुजारा है ये साले का उड़ कर जाएगा। पुलिस वाली मैडम मेरे को बड़ी खास पर चेहरे से देख रही है। तो फिलहाल ट्रैफिक से निकल के आ गए भैया मंगलराव एरिया में। अल्लाह गुल्ला इतना ज़्यादा था वहाँ पे साले, खास करके हॉर्न मारा साला कार वाला तो उड़ा के ले जाएगा। भीड़ आगे से भीड़ है इतनी, रेलवे ट्रेन वाले वाह। अभी थोड़ा धीरे धीरे चलते क्योंकि इधर को विंड नॉइज बहुत ज़्यादा आएगी, बहुत तेज़ हवा चल रही इधर को। मैं डेंटल क्लिनिक को फिलहाल के लिए पहुँच चुका है। जानी को यहाँ पे जब पार्क कर दिया, अभी चलते सीधे डेंटल क्लिनिक पे। तो भाई लोग अपना डेंटल क्लिनिक का काम हो गया, अभी चलते सीधे रूम की तरफ और वहाँ जाके आपको मिलते हैं। तो भाई लोग अभी निकल चुके हैं यार डेंटल क्लिनिक में, तो अपना काम तो हो चुका है, ड्रेसिस में थोड़ा काम करवाना था तो काम हो चुका है, अभी चलते थे फिर ऑफिस रूम की तरफ। तो ज़्यादा ज़्यादा गंदी हवाएँ चल रही यार। देखो भैया यहाँ पर एक यार कुलदीप फास्ट फूड मिल रहा है, हल्द्वानी का पहले बहुत ज़्यादा फेमस फास्ट फूड वाला था, अभी तो बहुत लोग फास्ट फूड में फेमस हो चुके हैं इधर, लेकिन पहले लोग इसी को खाते थे, मतलब इसका नाम था सबके मुँह पे कुलदीप कुलदीप करके। ओए देखो कैसे एकदम से मोड़ देते हैं यार लोग,
वो भी एक उसी रोड पे आके वहीं आके मोड़ रहा भाई, किसको पता होगा ऐसे मोड़े और ना इंडिकेटर ना कुछ। तो फिलहाल यार खालसा साई मंदिर से ऊपर की तरफ चलते हैं, केले लेने हैं, केले लेने का मन कर रहा था लेकिन अभी रुके नहीं, हम आगे देखते हैं आगे कहीं मिल जाएंगे तो ले लेंगे। अभी चलते हैं इधर अच्छा वापिस वापिस से सेकेंड गियर में से कर लिया बाबू भैया। जी हाँ और ये भैया चांदी चांदी का माहौल कतई बाहर क्या कर रहे हैं, अंदर जाओ ना तो ना तो ना तो चेंज निकल गई मेरा आज में गियर चेंज करते करते चेन अपनी निकल गई फिर से आज। पता हमारे साथ भयंकर बार बार जो है चेन ही निकल जाती है, हाथ देखो कैसे हो गए हैं। अपने साथ इस साइकिल में ये प्रॉब्लम होती है, जब से यार मेरा एक्सीडेंट हुआ ना इस साइकिल पे तब से साला कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो आती रहती है। मतलब कभी ये नहीं रहा कि साइकिल एकदम सही चली, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है ये साइकिल। बाकी आज कब लोग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताओ, अगर पसंद आया तो भैया वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर देना भैया।